नमस्कार, जसवीर कृष्ण चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। आज हम आपको हमारे व्यूअर्स की फरमाइश पर बटन होल बनाना बताएंगे। ये जो बटन होल है, ये हमने बहुत बड़े बटन का बटन होल बनाया है। तो इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने ग्रीन कलर में बटन पट्टी बॉर्डर बनाया था विद बटन पट्टी, तो वो हमारे फ्रेंड्स ने बहुत लाइक की है। और फिर उन्होंने पूछा कि आपने बटन होल क्यों नहीं रखा, तो हम भूल गए थे। फिर हमने बटन होल की उस डिज़ाइन में ही बटन होल बनाना बता दिया था। वो वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल जसवीर कृष्ण में, जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने इंचक दाना का बॉर्डर बनाया विद बटन पट्टी बनाई, तो उसमें भी हमने बटन होल इंचक दाना में ही बनाना बता दिया कि कैसे बनाना है, सिंपल। अब हमें फरमाइश आ रही है कि आपने, जैसे हमारे पास बहुत बड़ा बटन होता है तो हम स्वेटर कार्डिगन बुनते हैं, उसमें हम बटन होल कैसे बनाएं। तो उन्हीं की फरमाइश पर, आप सब व्यूअर्स की फरमाइश पर ही हम आपको आज बड़े बटन का बटन होल बताएंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने ना उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ली बुनी है, उल्टी। ऐसे ही अगर आपने बटन पट्टी बनानी है तो, और सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है तो वो सीधी सिलाइयों वाला हम अलग से बताएंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स कई जो न्यू हैं उनको नहीं समझ आता, बिगिनर हैं जो, तो उनके लिए हम सीधी सीधी सिलाइयों के बॉर्डर पे भी बता देंगे कि कैसे बनाना है। और हम उस बॉर्डर में भी बता देंगे जिसमें बटन पट्टी एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर की पट्टी होती है, उसमें भी हम बता देंगे। जो आपको, जो आपने बनाना है बॉर्डर, उस हिसाब से आप बना सकते हैं बटन पट्टी का। इसके साथ हमने इतना सा प्लेन बनाया है कि आपको समझ आ जाए कि इधर से इधर कितनी बार जाना है। तो इसके लिए आज हम आपको ये बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। हम एक ही बटन होल बनाएंगे, उसी से आपको समझ आ जाएगी। तो मोस्टली 10 फंदों का की बटन पट्टी होती है। अगर फुल बहुत बड़ा कार्डिगन है तो आप 12 फंदों की भी बना सकते हैं। जैसे हम 10 फंदों में बटन होल एडजस्ट करेंगे, आप उसी हिसाब से 12 फंदों में कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि बीच में बटन होल कैसे बनेगा। तो जैसे हम ये साथ में देते हैं डिज़ाइन, भाई स्टार्टिंग में बटन पट्टी के साथ में जो चेन दिखे, तो जो फंदा हमारा जिस डायरेक्शन में होता है ना, उसी में हम सीधा, अगर सीधा है तो सीधा उतारते हैं, अगर उल्टा है तो उल्टा था, सीधा है इसलिए हमने सीधा उतार लिया, फिर अपनी तरफ किया, क्योंकि हम उल्टी उल्टी सिलाइयों पर बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है, बटन होल बनाना है। 2 फंदे हमने बुने और 3 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हम बटन होल स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे हम जे वाले उल्टे रखेंगे बटन पट्टी के हैं, और 4 फंदे हम बीच में कम करेंगे। तो फिर हमने क्या करना है वो देखिए, हमने इस फंदे को भी बुन लेना है और इस फंदे को भी बुन लेना है, क्योंकि 2 फंदे हमें चाहिए। हम इस फंदे को जो ये पहले वाला है इसके ऊपर से उतारेंगे, ठीक है, फिर हम आगे का फंदा बुनेंगे और फिर इस फंदे को ऊपर से उतारेंगे 2, फिर तीसरा फंदा बुनेंगे, फिर इसको भी उतारेंगे। तो हमारे लास्ट में 3 फंदे रहने चाहिए बटन पट्टी में। तो ऐसे हम बारी बारी से इसको उतार देंगे। ये देखिए हमारे 2 फंदे बचे हैं, तो ये फंदा हमारा तीसरा है, तो हमने 4 फंदे कम कर दिए, 3 फंदे इधर रखे, 3 फंदे इधर। बहुत आसान है, ऐसे आपने एक चेन सी बन जाएगी आपकी, और जो कि बहुत सुंदर लगती है। अगर आपने ऐसे करना है तो ठीक है, अगर आपने दूसरी तरह भी कम कर सकते हैं फंदे, टपाने नहीं है। दोनों तरीके हम बता रहे हैं, एक तरीका हमने बता दिया है, अब दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। हम फंदे जो कम किए हैं उनको हम ऐसे ही कर देंगे, उतार देंगे। तो ये तो फर्स्ट तरीका था। अब हमने क्या करना है, इस फंदे को अभी बुनना नहीं है। हमने ये देखिए 3 फंदे रखे हैं, 3 फंदे हमने बटन पट्टी के लास्ट में रखने हैं, बीच वाले 4 फंदों को हमने कम करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे सीधा, सिंपल जो है, फिर इस सिलाई पे ले आएंगे जैसे हम बाइंड करते हैं, फिर 2 का एक करेंगे 2 बार, फिर इस फंदे को इधर डाल लेंगे,
दो का एक करेंगे तीन बार, इधर डालेंगे और दो का एक करेंगे चार बार, चार बार दो फंदे बचे हैं, ये फंदा हमारा इधर आ जाएगा। तो जैसे हम चार फंदे कम कर दिए हैं, ये देखिए अब जो ये फंदा है हमारे पास है, ये हम अपने पास रखेंगे, दो फंदे आगे बुन लेंगे, सिंपल बुन लिए। फिर हम आगे सीधा ही बुनेंगे, जो हमारा डिज़ाइन है वो हम पूरी सिलाई अपने स्वेटर की प्रोजेक्ट बुन लेंगे, सौ फंदे जितना भी आपका डिज़ाइन है। फिर हम आएंगे रॉन्ग साइड पे, जब हम रॉन्ग साइड पे आएंगे तो हम पूरा अपना स्वेटर बुनेंगे, बटन पट्टी से पहले जो आता है पोर्शन वो बुनेंगे। फिर हम बटन पट्टी के जो हमारे ये तीन फंदे हैं इनको देखेंगे, जे हम उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो हम उल्टा ही बुन के तीन फंदे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जब हम तीन फंदे कंप्लीट कर लिए, अब चार फंदे हमारे जहाँ भी होने चाहिए, जो गटाई डाली थी हमने, चार फंदे कम किए थे, उन चार फंदों को हमने बढ़ाना है। तो हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, हम इसी में से एक फंदा सीधा बुन के ऐसे रख लेंगे, एक, फिर हम फंदा बुनेंगे दो, फिर फंदा बुनेंगे तीन, फिर फंदा बुने इसी में से ही फंदा बुनेंगे चार। तो हमने अपने चार फंदे कंप्लीट कर लिए, तीन फंदे हमारे जे थे बटन पट्टी के, चार और बढ़ गए। अब हम फिर रॉन्ग साइड में आ जाएंगे, क्योंकि हमने सीधी साइड से चार फंदे बढ़ाए हैं। अब हम इन तीन फंदों को भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं राइट साइड पे, जब हम राइट साइड में आएंगे तो हमारा बटन होल रेडी हो जाएगा ऐसे। जी देखिए बटन होल रेडी हो गया है। अब हम जो बुनते आए हैं सिंपल वो ही बुनेंगे, उन फंदों पूरे फंदों को, जो ये चार फंदे हैं इनको भी हम बुन लेंगे उल्टा उल्टा है, क्योंकि हम उल्टा बुन रहे हैं। इसके बाद हम सीधा सीधा जो बुनते हैं उसमें बता देंगे कि अगर आप सीधी सीधी सिलाइयाँ बना रहे हैं उसमें बटन होल बना रहे हैं तो कैसे बनाना है। जी देखिए जितना बड़ा बटन होगा उतना ही बड़ा बटन होल आप बना सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप ऐसे ही अपने स्वेटर में कार्डिगन में बनाइए, ये बनकर बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि जो रेडीमेड स्वेटर आते हैं उसमें बड़े बड़े बटन होते हैं और बड़े बड़े बटन होल भी होते हैं। तो व्यूअर्स कह रहे थे हमारे चाहने वाले कि भी बड़ा बटन होल आप बता दीजिए हमें, तो इस ऐसे आपने बनाना है। अगर आपको अच्छा लगा हो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जी देखिए शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। कोई आपसे पूछता है कि बड़ा बटन होल कैसे बनाना है, तो आप फटाफट बनाकर उनको बता दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।